Sare ga ma pa da ni sa 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 re ga ga ma ma pa da da ni ni sa 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 re ga re ga ma ga ma pa ma pa da ma da ni sa Vikas ki Pathshala नमस्कार। आज का वीडियो स्पेशल उन सभी बच्चों के लिए है, उन सभी बड़ों के लिए है जो किसी ना किसी रूप में डीएवी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डीएवी एंथम को कैसे बजाया जाता है। डीएवी एंथम का जो ओरिजिनल स्केल है वो बी नोट से स्टार्ट होता है हमारा, यानी कि ये। और वैसे अगर हम देखें तो अगर हम कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम सीखना शुरू करते हैं तो हम फर्स्ट ब्लैक को सा मान के सीखते हैं, या फिर हम स्टैंडर्ड स्केल जो फीमेल स्केल है, लाइक फर्स्ट ब्लैक इज स्टैंडर्ड मेल स्केल एंड फोर्थ ब्लैक इज स्टैंडर्ड फीमेल स्केल, ठीक है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट सिखाया जाता है या सीखा जाता है। लेकिन मैंने बी नोट को क्यों चूज किया है, क्योंकि बी नोट एक ऐसा नोट है जिसपे मेल भी फीमेल भी बड़े भी छोटे भी सभी इस स्केल से कॉमनली इजीली हर चीज को गा सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि जो हमारा डीएवी एंथम है उसका ओरिजिनल स्केल भी बी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डीएवी एंथम को कैसे बजाया जाएगा। सबसे पहले एक बार हम इसको गाकर देख लेते हैं। डीएवी एंथम। अब हम इसे धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करेंगे कि जैसे जैसे वर्ड हम गाते हैं वैसे वैसे वहां पर नोट्स क्या लगेंगे। अब जैसे सबसे पहला था हमारा अविरल, तो अविरल पे सा 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 सा, अभी हमारा सा ये बन गया ना, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो जो इसमें से डीएवी एंथम में नोट्स लगे हुए हैं उनके उनकी हेल्प लेकर हम इस नोटेशन को बजाएंगे। तो अविरल निर्मल सा 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 सलील सदै सारे गरेगा, ठीक है। पहली लाइन को फिर से बजाते हैं सा 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 सारे गरेगा। उसके बाद ज्ञान प्रदायनी पाप 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 ज्योतिर्मय पाधा धा पगा, ठीक है। अब ये बेसिक होता है, जैसे मैंने गाया ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय, तो ये वेरिएशंस है। जब हम किसी भी गाने की किसी भी बंदिश की किसी भी क्लासिकल राग की नोटेशन जब हम लिखते हैं या बजाते हैं तो हम सबसे पहले उसका बेसिक बजाते हैं या सीखते हैं। तो ये बेसिक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सा 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 सा
पा 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 ज्योतिर्मय पा धा धा पा गा। अगली लाइन हो चहु देशी धा 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 उद्घोष पागा धा। ठीक है हो चहु दिशी उद्घोष अभय धा 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 पागा धा धा पा धा डीए वी जय जय गा गा पा धा सा डीए वी जय जय गा गा परे सा। तो ये हमारा इसका स्थाई हो गया। एक बार फिर से इसको मैं रिपीट करता हूं। सा 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 रे गा रे गा पा 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 धा धा पा गा। आपने इस वाले हाथ पे ध्यान देना है, इधर ध्यान नहीं देना अभी, आपको ये सीखना है सबसे पहले। ठीक है ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि दोनों हाथों से कैसा बजाया जाएगा। अभी हम इसी पे मैं इसी को ही बजाता हूँ। सा 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 रे गा रे गा पा 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 धा धा पा गा धा धा पा धा पा गा धा धा पा धा गा गा पा धा सा गा गा पा रे सा। तो आपने देखा कि मैंने इसे जितनी बार भी बजाया तो जो फिंगर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बदल रही हैं। ठीक है ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप बहुत अच्छे से बजाना सीख जाते हैं तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो अपना सिस्टम खुद मेंटेन करती हैं, खुद क्रिएट करती हैं, आपको नहीं सोचना पड़ता। बट फिर भी आपको जो एक बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आपका हाथ ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे लाइक ऐसे है। ऐसी पोजीशन, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हाथ नहीं करना है। ठीक है तो ये एक बार फिर से मैं आपको स्थाई सिखाता हूं। सा 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 रे गा रे गा पा 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 धा धा पा गा धा धा पा धा पा गा धा धा पा धा गा गा पा धा सा गा गा का स्थाई और पहला अंतरा। अब बाकी का भी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही बजने वाला है। अब मैं कंप्लीट इसको बजाने वाला हूं। सबसे पहले हम सीखते हैं जो हमारे डीवी एंथम में एक ट्यून आती है सबसे पहले, वो क्या है? वो है तो इसकी नोटेशन क्या है? सा धा पा गा धा
ठीक है, ये ट्यून बजती है, इसके बाद फिर हम इसको कंप्लीट बजाना शुरू करते हैं। अब मैं इसको पूरा बजाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे बजाना है। आप रिपीट पे लगाइए इसको और बड़े अच्छे से बजाइए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।